रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पढ़ाने वाले एडहॉक प्रोफेसर इन दिनों धरना प्रदर्शन पर आमादा हैं। उनकी मांग है कि मानदेय का भुगतान। हेड जयपुर चले कि एडहॉक प्रोफेसरों को 17 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। आवाज उठाने के बाद उन्हें मिला है सिर्फ आश्वासन। इस मुद्दे पर उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अमित ने। आप भी देखिए रिपोर्ट। विश्वविद्यालय में इन दिनों अतिथि शिक्षक अब धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है। पिछले कई महीनों से वे अपने मानदेय के लिए लगातार यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहे हैं। अब जाकर के इन्हें आश्वासन तो मिला, लेकिन अभी तक यह निश्चित नहीं हो सका है कि कब तक उन्हें जो है सो मानदेय दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि क्या कुछ है, क्यों कितने दिनों से इनका जो है मानदेय नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर रीना कुमारी, भूगोल विभाग, मारवाड़ी कॉलेज से। कितने दिनों का मानदेय आपका बाकी है? 17 महीने से हम लोगों को अभी तक पेमेंट नहीं मिला है जी। और जैसा कि आप सभी को जानकारी है, इतना समय से अगर वेतन ना मिले तो घर चलाना तो मुश्किल होता ही है। साथ ही साथ आपका कहीं मन नहीं लगेगा, आप कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिएगा, कैसे आप पढ़ाइएगा। और अभी जैसा कि फेस्टिवल का टाइम है तो हमारे लिए तो फेस्टिवल फीता पड़ ही चुका है। और इसके लिए रांची विश्वविद्यालय के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जो भी समय बीत चुका है अभी त्वरित इस पे कार्रवाई की जाए। और यहाँ की सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि हम सभी का समाधान, समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। लग रहा है कि दशहरे का समय है, इसमें खुशियां मनाएं या बैठ के इंतजार करें कि सैलरी कब मिलेगी। इतने दिन से नहीं मिली है, कैसे कैसे हम लोग क्या करें। रोज रोज दौड़ के यूनिवर्सिटी आए, यहाँ पे धरना पे बैठे या घर में पूजा करें, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा करके ना यहाँ मन लग रहा है ना वहाँ मन लग रहा है। कॉलेज में भी शिक्षा जो है वह बाधित है। नवरात्र का समय है और बेटी है वो भी उम्मीद लगा कर बैठी है कि माँ कुछ तो देगी, लेकिन आज एक माँ मजबूर है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती अपने बच्चे के लिए। और मैं तो यही बोलूंगी कि जो भी जिनके पास भी है कि हमारे समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अधिकारी हो, चाहे वो HRD के अधिकारी हो, चाहे सरकार माननीय मुख्यमंत्री हो या माननीय गवर्नर साहब हो, कहीं से भी हो, लेकिन एक माँ के आवश्यकता की पूर्ति।